खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार है। रात करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा और 8 बजे उसी मंच से इमरान खान भाषण देंगे। लेकिन इससे ठीक 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान ने बता दिया कि वो आज क्या करने वाला है। पाकिस्तान तो भारत के विदेश मंत्री के सामने ही नहीं टिक पाया, तो फिर मोदी के सामने इमरान खान कहां ठहरेंगे, आप खुद ही समझ लीजिए। पाकिस्तान चुनौतियों से जूझ रहा है। एक देश है, उसे सार्क का मंच मिला था कि वो अपने देश की बात करता, लेकिन बैठक का बॉयकॉट करके पाकिस्तान ने ये बता दिया कि आज भी यूएन के मंच पर सिर्फ कश्मीर का राग अलापेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन यानी सार्क की बैठक चल रही थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में पहुंच चुके थे। एस जयशंकर को यहां उद्घाटन संबोधन देना था, यानी सबसे पहले बोलना था। सार्क के तमाम सदस्य देश भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका यहां मौजूद थे, सिवाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बैठक शुरू होने से ठीक 20 मिनट पहले एक ट्वीट किया गया कि वो इस बैठक का बायकॉट कर सकते हैं क्योंकि भारत के साथ एक छत के नीचे मौजूद नहीं रह सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क की बैठक में तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और जैसे ही वो बैठक से बाहर निकले, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कमरे में दाखिल हो गए। मानो ताके बैठे थे कि जैसे ही भारत के विदेश मंत्री बाहर निकलेंगे वो बैठक में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाना था। सुनिए बैठक का बायकॉट करने के पीछे शाह महमूद कुरैशी की दलील। आज साक का इजलास था जिसमें मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। मैं ताखीर से आया और ताखीर की वजह भी कोई ठकी छुपी नहीं है। मैं ताखीर से इसलिए आया कि मैं उस नशिस्त में जहां एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर जिसने जबर तारीख किया हुआ है, उनके साथ बैठना मुनासिब मैंने न समझा। तो उनकी रवानगी के बाद मैंने आकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़ा जो था वो मैंने पेश किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तमाम दलीलें दी, लेकिन जैसे ही उनसे आतंकवादी हाफिज सईद के खर्चे पानी के विषय पर सवाल हुआ, उन्होंने जवाब देने पर होल्ड ऑन कर दिया। एक सेकंड, होल्ड ऑन, रिलैक्स, लेट मी रिस्पॉन्ड टू द जेंटलमैन हियर। अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है इंटरनेशनल लॉ। होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश। भारतीय पत्रकार शाह महमूद कुरैशी से पूछ रहे थे कि आपने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादी हाफिज सईद के खर्चे पानी का इंतजाम क्यों किया, लेकिन कुरैशी साहब जवाब देने के बजाय तेवर दिखा रहे थे। एक सेकंड, होल्ड ऑन, रिलैक्स, लेट मी रिस्पॉन्ड टू द जेंटलमैन हियर। एंड यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू दिस, सर। आई विल रिस्पॉन्ड टू हूएवर आई वांट टू, बट लेट मी रिस्पॉन्ड टू द जेंटलमैन हियर। हमें भी पता है कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, और जवाब तो तब देंगे जब आपके पास जवाब होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर यूएन से भारत पर आतंकी हमलों के गुनहगार हाफिज सईद के लिए महीने के खर्चे पानी की इजाजत मांगी थी। पाकिस्तान ने यूएन को चिट्ठी लिखकर कहा कि जमातुल दावा का मुखिया हाफिज सईद और उसका परिवार भूखे मर रहा है। चिट्ठी में लिखा था कि हाफिज सईद अपने परिवार का पेट पालता है, उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार के खाने पीने और कपड़ों के खर्च के लिए उसे अपने खाते से हर महीने 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए निकालने की इजाजत दी जाए। अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो कुरैशी साहब होल्ड ऑन बोलकर आंखें दिखा रहे हैं। कोई इन्हें समझाए कि आंख दिखाकर आतंक पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री सार्क इस बैठक में भले ही न शामिल हुए हों, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने यहां भी आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। अपनी बात खत्म करके एस जयशंकर जैसे ही बैठक से बाहर निकले तो उनसे पाकिस्तान के गैर मौजूदगी पर सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के हाशिए पर तय परंपरा के मुताबिक एक बार फिर सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, मगर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की इस बैठक में एक बार फिर दावत की मेज पर भी भारत और पाकिस्तान के विवाद ही किरकिरी बनते नजर आए।
आलम यह था कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उपस्थित रहने से भी परहेज किया, बल्कि वो उस समय पहुंचे जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक के कमरे से जा चुके थे। मगर कुरैशी इस पूरे मामले में आतंकवाद और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को सहयोग देने और समर्थन देने के मामले जैसे जुड़े सवालों पर बचते नजर आए। आतंक के सवाल पर कन्नी काटने वाले कुरैशी एक बात बताना नहीं भूले। इंशाल्लाह अगला साख का समिट लेवल का इजलास पाकिस्तान में होगा और ये मेजबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी का दावा है कि सार्क की अगली बैठक इस्लामाबाद में होगी। आपको बता दें कि भारत ने पिछले 3 साल से ये कह रखा है कि सार्क की बैठक अगर पाकिस्तान में होगी तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, जब इसमें सभी सदस्य देश शामिल हों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मीटिंग से बाहर आकर दावा किया कि इस मीटिंग के दौरान अनौपचारिक तौर पर यह तय हुआ है कि सार्क का अगला शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होगा और इसकी पहल भी पाकिस्तान ही करेगा। ढके छुपे शब्दों में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान भारत को न्योता तो भेजेगा, लेकिन आना या ना आना भारत के हक में है। लेकिन जब सार्क के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई तब भी पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री का सामना तक करने को तैयार नहीं थे, तो ऐसे में इस न्योते को भेजने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की इस छोटी सी कोशिश पर भारत सिर्फ हंस ही सकता है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शाम को 7:15 बजे संयुक्त राष्ट्र के मंच से भाषण देंगे। पूरे देश को इंतजार है। हमारे सहयोगी प्रणय वहां पर यूएन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। सीधे में प्रणय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, समय जो है भाषण का उसमें कुछ बदलाव हुआ है? पहले 4th नंबर पर प्रधानमंत्री को बोलना था, अब 3rd नंबर पर बोलेंगे वो? जी हाँ शोभना, जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके मुताबिक यूएन हेडक्वार्टर में आज जब जनरल असेंबली की डिबेट के संबोधन का कार्यक्रम शुरू होगा तो भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और करीब 7:15 बजे यानी करीब 45 मिनट बाद, क्योंकि 3rd नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी का उस क्रम में है, तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण करीब 7:15 बजे शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार। और उसके बाद, उसके करीब 45 मिनट बाद जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भी भाषण का कार्यक्रम है, क्योंकि वो उस क्रम के अंदर छठे नंबर पर हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी अपेक्षाएं प्रधानमंत्री के भाषण पर होंगी। और अगर हम भाषण की बात करें करें शोभना, तो पंचतत्व प्रधानमंत्री के भाषण का क्या होगा? पंचतत्व होगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के अंदर भारत एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, किस तरीके से जरूरत है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यूएन समेत ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ज्यादा इफेक्टिव हों, और इसके अंदर किस तरीके के सुधारों की जरूरत है। खासतौर पर आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री के भाषण के अंदर जगह पाएगा और इस आतंकवाद के मुद्दे में प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि किस तरह से अभी तक दुनिया आतंकियों के बीच में जो भेद करती रही, अच्छे आतंकवादी बुरा आतंकवादी जैसी परिभाषाएं गढ़ने की भी कोशिश की गई, तो इन सब को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री के की तरफ से एक बार फिर कॉल दिया जा सकता है कि ग्लोबल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म जो है, जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म की बात भारत पिछले कई दशकों से कर रहा है, उस पर अब वक्त आ गया है कि दुनिया एकमत होके, एक सुर होके उस पर कदम आगे बढ़ाए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको कम करने में, इनकी में सुधार करने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा होंगी, उसमें जगह पाएंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज कि प्रधानमंत्री के भाषण में किसी एक मुल्क का नाम जो है, जो अगर पाकिस्तान ये अपेक्षा कर रहा हो कि वो सीधे सीधे पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का नाम प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान की करतूतें और खास तौर पर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको बेनकाब करने का जो काम है वो प्रधानमंत्री के भाषण में स्पष्ट रूप से होगा। प्रणय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग 2000 लोग वहां पर वेलकम करने के लिए मोदी को पहुंचने वाले थे, क्या उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? छोटा सा जवाब। बिल्कुल शोभना, मेरी सहयोगी यहाँ पर साथ में है मधु। मधु अभी उस जगह से देख के आई हैं जो कि यूएन हेडक्वार्टर के ठीक सामने है। इन्हीं से पूछते हैं मधु, क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया? जी बिल्कुल शुरू हो गया है सिलसिला, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि सुरक्षा के इतने इंतजाम है इस पूरे इलाके में और बसेस भर कर आ रहे हैं लोग। कितनी बसेस आ रही कुल? तो करीब 14 से 15 बसेस का अंदाजा है उनका और उसमें सारे भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग मौजूद होंगे। लेकिन यही है कि क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लॉकडाउन हो रखा है शहर में,
में तो बहुत ट्रैफिक मधु है। जनरली ये जगह तो प्रोटेस्ट के लिए होती है, भारतीय समुदाय किस चीज के लिए इकट्ठा हो रहा है? वो यहाँ पे सेलिब्रेशन रैली के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जगह नॉर्मली प्रोटेस्ट के लिए होती है, लेकिन बहुत शायद ही कभी ऐसा मौका देखा होगा यूनाइटेड नेशंस ने कि जब बाहर यहाँ पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और जश्न मना रहे हैं अपने प्रधानमंत्री का, अपनी सरकार का और उनके फैसलों का। तो शोभना, निश्चित रूप से ये यूएन के लिए भी एक अनोखा मौका इसलिए है क्योंकि इस जगह पर भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन और उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग जमा होंगे और वो इस चीज़ का स्वागत करेंगे जिस तरीके से सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं और प्रधानमंत्री और भारत के जो भारत का जो साहस है, भारत का जो संकल्प है, उसको समर्थन देने के लिए ये भारतीय अमेरिकी समुदाय यहाँ इकट्ठा होगा। बिल्कुल प्रणय, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही फिर कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बस अब से कुछ ही देर बाद लगभग 7:15 बजे शुरू होगा। न्यूयॉर्क से हमारी सहयोगी मधु भाटिया ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि मोदी के यूएन में भाषण देने से पहले उनके समर्थकों के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं। 2000 समर्थक मोदी की धन्यवाद रैली के लिए वहां पहुंच रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स के बाहर ये इलाका तैयार है भारतीय समर्थकों के लिए, जो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ भारी तादाद में मौजूद होंगे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। जी हाँ, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और आसपास के इलाकों से बसेस निकल चुकी हैं और उसमें भारी तादाद में भारतीय अमेरिकी समुदाय गाजे बाजे के साथ यहाँ आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करने के लिए, एक सेलिब्रेशन रैली करने के लिए। यहाँ पर भारतीय समर्थकों के अलावा पाकिस्तान की तरफ से प्रदर्शनकारी भी मौजूद होंगे और इसीलिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि भारतीय और पाकिस्तानी जो प्रदर्शनकारी हैं वो आपस में लाइन क्रॉस ना करें और किसी तरह की कोई हंगामा करने की कोशिश ना करें। डेजिग्नेटेड एरियाज दिए गए हैं सबको, समय दिया गया है सबको और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो एक्स्ट्रा सामान आप ला रहे हैं उसकी चेकिंग की जाएगी। अभी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जमा भी नहीं हुए हैं लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पहले से तैनात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ तैयार हैं, भारी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ी भी यहाँ पर है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म के एक खास स्क्वाड को बुलाया गया है। वैसे तो न्यूयॉर्क में जब भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होती है तो पुलिस के कड़े इंतजाम होते ही हैं, लेकिन जब इस तरह के प्रदर्शन हो तब खास इंतजाम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा डर ये होता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद कहीं एक लोन टेररिस्ट यहाँ आकर किसी दुर्घटना को अंजाम ना दे सके। इसके लिए ज़मीन पर तो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं ही, लेकिन इसी इलाके में एक बड़े होटल के टॉप फ्लोर पर फेडरल एजेंट्स बैठे हैं जो कंप्यूटर के जरिए इस एरिया में लगे हुए कैमरास पर नज़र रख रहे हैं गतिविधियों पर कि किसी तरह की कोई दुर्घटना का अंजाम ना दिया जा सके। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर होंगे भारत के प्रदर्शनकारी जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एक सेलिब्रेशन रैली करेंगे। न्यूयॉर्क से मधु भाटिया झा, ABP न्यूज़।